हाय गाइस, आज मैं हूँ दिल्ली के बेस्ट ऑफ वंडर ऑफ वर्ल्ड में, जो कि बहुत बढ़िया जगह मुझे लग रही है, क्योंकि आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये है एंट्रेंस गेट, बाहर हमने टिकट ली थी वहाँ से। यहाँ के टिकट की रेट 50 रुपीज़ है, ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ से हमने बाहर से टिकट ली थी, अब हम यहाँ एंट्री कर चुके हैं और हम चलेंगे इस तरफ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो ये हमने एंट्री ले ली है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फाउंटेन है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये बना कैसे था, क्या क्या मेहनत, क्या क्या चीज़ें लगी हैं इसको बनाने में, जो कि है यहाँ पे। एंड दिस आइडिया इसका आया है इंस्पायर्ड बाई बद्रीनाथ की दुल्हनिया। हाँ, इस मूवी में भी हमें 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कुछ दिखाया गया था। आगे है वेस्ट टू आर्ट, द प्रोसेस, कोटा 7 पार्क विजिट, पुणे 7 वंडर पार्क विजिट, ये कैसे कैसे बनना शुरू हुआ था। ये आगे हमें देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। ये पर है कि कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था इसे बनाना, और ये टीम जिन्होंने बनाया है इनको। कुछ और तस्वीरें, ये टॉप व्यू ड्रोन से, और ये हमें जो आगे देखने को मिलेगा 7 वंडर्स उसकी एक झलक। और अब चलते हैं आगे। एंड गाइस, ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि स्क्रैप की चीज़ों से बना है। आओ मैं आपको इनके पास से दिखाता हूँ। आपको देख सकता है कि ये लोहे की किस किस स्क्रैप चीज़ों से बना है, साइकिल के पार्ट्स, मोटर पार्ट्स एंड चेन्स। ओके गाइस, जो फर्स्ट चीज़ है वो है पिरामिड। उससे पहले एक ये झलक कि पिरामिड के बारे में हल्का सा, और ये इस पिरामिड को बनाने में कितना दिन लगे थे, 80 डेज लगे थे इस पिरामिड को बनाने में, कितना स्क्रैप वगैरह यूज़ हुआ था, क्या मटेरियल यूज़ हुआ था। और ये पिरामिड बेसिकली, ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये सब जंक लोहे से बनी हुई है। ये सारे जितने भी वंडर्स आपको यहाँ पे देखेंगे, सब स्क्रैप वगैरह मटेरियल से। सब इसका आइडिया यही था कि इसे स्क्रैप मटेरियल जितने भी होते हैं उससे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बनाने हैं। ये पिरामिड कुछ इस तरह, पूरा पिरामिड काफ़ी बड़ा है, पिरामिड छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दूर से भी दिखाता हूँ कितना बड़ा पिरामिड है। ये पूरा पिरामिड, और हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वंडर की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट वंडर, आपको दूर से दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट वंडर जो कि है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ये कुछ लीनिंग टावर के बारे में यहाँ पे, और ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा को बनाने में कितना टाइम लगा था, 100 डेज इसको बनाने में लगे थे, इसकी हाइट क्या है, मटेरियल प्रोसेस क्या था। और ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इस पर हल्का फुल्का काम भी चल रहा है। ये पूरा लीनिंग टावर, और मैं आपको पास से दिखाता हूँ लोहे के स्क्रैप मटेरियल्स जो कि यूज़ हुए थे इसको बनाने में। सबसे पहले फिर से एक झलक इसकी, और अब आगे, और अब है आईफिल टावर। इसको बनाने में कितने डेज लगे थे, 130 डेज, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ था,
truck petrol tanks, angles of 3 inches, 4 inches, 5 inches, process, और इसके बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन, और ये हमारा आईफिल टावर, पास से दिखाता हूँ आपको सारा का सारा स्क्रैप मटेरियल जो कि यूज़ हुआ था, ये अंदर से आईफिल टावर, क्या क्या चीज़ स्क्रैप मटेरियल देख सकते हैं आप, सारा का सारा स्क्रैप मटेरियल है जो कि यूज़ हुआ था। कैसी लग रही है आपको वीडियो, मज़ा आ रहा है ना? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ये हमारे पीछे था लास्ट, हमने देखा आईफिल टावर, और यहाँ पे और भी 7 वंडर्स अभी आगे हमें देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में और मेरे साथ देखते रहिए 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वंडर ऑफ वर्ल्ड मेरे को देखने को मिलता है। कोलोसियम, गाइस कोलोसियम को बनाने में 100 डेज लगे थे, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ था। और ये हमारा कोलोसियम, मैं आपको पास से दिखाता हूँ सारे स्क्रैप मटेरियल जो कि यूज़ हुए थे इसको बनाने में, पूरे कोलोसियम को। ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये साइकिल के बेसिकली पार्ट्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं इसको बनाने में। पाइप्स, यूज्ड पाइप्स, पुराने जंग लगे हुए सब के सब यहाँ पे यूज़ हुए हैं इसको बनाने में, देख सकते हैं आप। कोलोसियम बहुत बड़ा है, बिल्कुल 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये पूरा कोलोसियम। और अब हम चलते हैं आगे, और नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है। और हाँ, ये वंडर हमारे देश में ही है, जी हाँ, ताजमहल। ताजमहल को बनाने में 130 डेज लगे थे, वैसे ताजमहल को बनाने में बहुत डेज लगे थे पर इसको 130 डेज लगे हैं। क्या क्या यूज़ हुआ है, मटेरियल यूज़, एंगल ट्रक, कपबोर्ड, शीट्स, नट एंड बोल्ट्स, 1600 साइकिल रिंग्स और पता नहीं क्या क्या। इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक इन्फो, और ये हमारा ताजमहल जो कि है, हम इसके पास नहीं जा सकते हैं, ये पूरा ताजमहल। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी नहीं है और क्राउड भी अच्छा है। ये पूरा ताजमहल का व्यू, नेक्स्ट वंडर हमारे सामने है जो कि है, सो गाइस ये है रेडमी रियो। आप देख सकते हैं इनके जो हाथ में पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो गियर और ऑटो पार्ट्स हैं, और मटेरियल क्या यूज़ हुआ है इसको भी बनाने में 130 डेज लगे हैं, मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है इसके बारे में, और यहाँ पे सब बेसिक इन्फो। और ये हमारा रेडमी रियो, वैसे तो रेडमी रियो काफ़ी बड़ा है पर ये भी बहुत बड़ा है। तो देखिए उसके हाथ में जो पार्ट्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, साइकिल के सारे नट बोल्ट्स पार्ट्स वगैरह हैं, बहुत प्यारा बनाया गया है, ऐसे भी बहुत बड़ा लग रहा है। सो मैं आपको दूर से फुल व्यू दिखाता हूँ इसका, ये देखिए इसका फुल व्यू, या सो अब हम चलते हैं आगे, ये धारे डेमे व्यू। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, इसको बनाने में 90 डेज लगे थे, मटेरियल्स आपके सामने हैं, बेसिक इन्फो उसके बारे में, और ये हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपके सामने। आपको फुल व्यू में इसको दिखाता हूँ, ये फुल व्यू में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके पास चलते हैं, सारे का सारा स्क्रैप मटेरियल जो यूज़ हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, सारे के सारे वंडर्स बहुत बढ़िया बनाए हैं इन्होंने एज इट इज़ जैसे हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल सारे के सारे आयरन के स्क्रैप्स, ये हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसी के साथ हमारे 7 वंडर्स
कंप्लीट। उससे पहले एक लुक और अब चलते हैं हम आगे। सेवन वंडर्स ऑफ वेस्ट ऑफ सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पास है। निज़ामुद्दीन स्टेशन से 3-4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। टिकट भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपीज़ की है। ये हमने यहाँ से एंट्री की थी, इधर हम गए थे, इधर से पूरा घूम के और इधर से पीछे से हम आए हैं। सो ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता और रहूँगा। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और मैं भी चलता हूँ अब बाहर। सो बाय बाय।